Hey guys and welcome back to Damnation। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज गोस्ट राइडर में कन्वर्ट कैसे हुआ। अब तक कहानी में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पुराना दोस्त मिस्टर वोंग एक टीम बनाता है ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को छुड़ाने के लिए जा सके, जबकि इधर डॉक्टर स्ट्रेंज की टांगे टूटी हुई हैं। वो कह रहा है, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे आपको बता देना चाहिए कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत बुरी हालत है। एक डिमोनिक थोर ने जलते हुए हैमर से मेरी टांगे तोड़ दी। इस रैम के सोर्सर सुप्रीम होने के नाते मुझे अपनी टांगों को ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने दिमाग में कुछ सेकंड के लिए ठीक से सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ बेहोश होने से बचने के लिए लड़ रहा हूँ। शायद मुझे अपने आस पास के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, और हो सकता है कि तब मैं अकेला नहीं मरता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, स्टीफन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा कि वोंग की आवाज़ थी। वोंग कहते हैं, स्टीफन मैं तुम्हें देख नहीं सकता और तुम्हें बड़ी ही मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अकेले नहीं हो, बैट्स मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ, कि तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए फाइटर्स का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। गोस्ट राइडर, एल्सा ब्लडस्टोन, वूडू, मैन थिंग, ब्लेड, मून नाइट, आयरन फिस्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा, लेकिन तुमने इन्हीं सबको क्यों चुना? वह कहता है कि उनको अपने डीमंस में कन्वर्ट कर पाना मेफिस्टो के लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास एक प्लान है और हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना है, और जब हम यहाँ पे आए तो चलने के लिए तैयार रहना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो स्टीफन? स्टीफन कहता है, हाँ कर सकता हूँ। वोंग ने कहा, ठीक है खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं। और स्टीफन ध्यान रखना, ये बाकी सब टाइम की तरह नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें टूटी हुई है। वोंग ने कहा, स्टीफन क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? डैम, ठीक है स्टीफन, इससे पहले कि हमारा कनेक्शन कटे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा। हमारा यहाँ एक और साथी है। हालांकि हमारा काफी लंबे टाइम से कनेक्शन कटा हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि वो अब भी अंदर है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनका नाम सीक्रेट रखूं, और मैं रखूंगा, लेकिन तुम्हें जल्द ही उनके बारे में पता चलने वाला है। स्ट्रेंज कहता है, नहीं वोंग, मेफिस्टो ने माई गर्ल के बारे में कुछ कहा था। ये जलमा है ना, और अगर वो जलमा है तो उसे पहले ही पकड़ लिया गया है। वोंग कहता है, ठीक है स्टीफन, मैं नहीं जानता कि तुम अभी मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन ये बात जान लो, अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, और अगर कोई अगली बार नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि। लेकिन तभी वोंग की इमेज वहां से चली गई और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने उसकी एक्स वाइफ क्लिया आई। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं, ये सच नहीं हो सकता, मैं मर चुका हूँ, मेरा काफी सारा खून बह चुका है और अब मैं मर चुका हूँ। लेकिन क्लिया उसके पास आकर बोलती है, ओ स्टीफन ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्ट्रेंज कहता है, ये तुम सच नहीं हो? क्लिया ने कहा, हाँ मैं सच हूँ, वोंग ने मुझे यहाँ इस जगह का जायजा लेने के लिए भेजा है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह पकड़ ली गई, और मुझे लगता है कि तुमने मधुमक्खी के छत्ते में पैर मार दिया है। स्ट्रेंज कहता है, नहीं नहीं ये एक चाल है, मेफिस्टो मेरे साथ खेल रहा है, तुम सच नहीं हो सकती। क्ली कहती है, स्टीफन मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांको, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। तुम काफी घायल हो और तुम ठीक से नहीं सोच रहे। देखो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज रोने लगा, क्ले ने उसे गले लगा लिया, उसे अब तक यकीन हो चुका था। उसने कहा, क्ले मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मैंने काफी कुछ गलतियां कर दी, लेकिन मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी। क्ले कहती है, मुझे तुम्हारी टांगों को देखने दो, यहाँ पे बहुत कुछ बुरा हो रहा है स्टीफन। मैंने इस पूरे शहर को देखा, मैंने वोंग की एस्ट्रल फॉर्म के साथ तुम्हारी बातचीत सुनी, मेफिस्टो ने कहा था तुम्हारी गर्ल साथी, और तुम्हें लगा कि मैं जलमा थी। काफी आगे सोच रहे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अरे नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, जलमा और मैं तो बस दोस्त हैं, मैं उससे मिला था। क्ले कहती है, और वो काफी खूबसूरत है, जवान है, तुमसे उम्मीद रखती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, अरे वो नॉर्मल है, बेचारी है, मेरे टाइप की नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन क्लेम तुम उन सब के बारे में अब क्यों बात कर रही हो? क्ले ने कहा, ताकि तुम्हारा ध्यान असली मुद्दे से भटकाया जा सके, क्योंकि मैं तुम्हारी टूटी हुई टांग को सेट करने वाली हूँ। तभी वह एक जोर के झटके के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की टांग सीधी करती है, उसे बहुत दर्द हुआ। क्ले ने कहा, अभी तो दूसरी टांग भी बची हुई है, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी दोनों टांग सीधी हो जाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ठीक है मुझे सांस लेने दो,
अभी वोंग के यहाँ आने में बहुत टाइम है। तभी वो एक दूसरे झटके के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी टांग को सीधी करती है और कहती है, अरे मैं वोंग की बात नहीं कर रही, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ तुमसे पहले आई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, क्या तब तुमने यहाँ पे किसको बुलाया है? तभी उस कमरे का दरवाजा फाड़ दिया गया। क्ले ने कहा, ओह वेल, वोंग वाला ग्रुप भी काफी अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ बड़ी ताकतों को बुलाया है। और गाइस, ये थे वांडा और लोकी। और लोकी को देखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज का मूड खराब हो गया। कहता है, ये तो पागलपन है, तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आई हो। क्ले कहती है, अरे किसी को कुछ तो करना था। तो गाइस, लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखता है और उसने कहा, मैंने तुम्हें इन सब के बारे में वार्निंग दी थी, मैंने कहा था अर्थ पे हेल आएगा। कहा था कि नहीं? कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, देखो अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तो वांडा चिल्लाती है, हे अगर तुम दोनों अपने आप को कंपेयर करने से थक चुके हो तो हम यहाँ से बाहर चलें। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम देख नहीं रहे क्या, मेरी टांगें टूटी हुई हैं, क्या तुम में से कोई इसे ठीक कर सकता है? तभी वांडा अपनी रियलिटी रैपिंग पावर से उसकी टांगों को ठीक कर देती है। उसने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर लोकी को तुम्हें अपने कंधे पे बैठा कर ले जाना पड़ता तब तो कौन ही कहता कि हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं, है ना? लोकी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी टांगें फिर से तोड़ सकता हूँ। वैसे बैट्स कैसा है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ओ शट अप लोकी, देखो मुझे बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन अगर तुम सब लोग पकड़े गए तो? वांडा ने कहा, तुम यही सोच रहे होगे कि अगर हम लोग भी घोस्ट राइडर्स में कन्वर्ट हो गए तब तो इस वर्ल्ड की लंका लग जाएगी, है ना? चिंता मत करो, हमारे पास एक प्लान है और वो यही प्लान है कि हम अपनी सोल्स चुराने नहीं देंगे। तभी लोकी ने दिखाया कि सामने वाला हॉल डीमन से भरा हुआ है। क्या मैं इन लोगों को किसी दूसरे डैम के अंदर भेज दूं? क्ले ने कहा, अरे नहीं नहीं, हमें क्या पता कि इनमें से कौन सा इंसान है और कौन सा डीमन, हमें नीचे जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और तभी लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर शीशे तोड़ते हुए नीचे कूद गया, उसके साथ साथ बाकी लोग भी कूद गए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, वेल मुझे गिरने से कोई दिक्कत नहीं है, हम सब के सब थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, बल्कि हमें इस बात से दिक्कत है कि हम जब लैंड होंगे तब हमारे आसपास कौन कौन होगा। लोकी ने कहा, देखा तुमसे पहले नीचे आ गया। और गाइस, डीमंस इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। लोकी कहता है, ओ स्टीफन, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम पहले एक डिमोनिक होर्ड के साथ लड़ चुके हो क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें सोर्सरर सुप्रीम बनने नहीं देना चाहता था, हर चीज के अंदर मजाक करना जरूरी है क्या? तभी उनमें से एक डीमन क्ले को पकड़ लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, वो अपनी पूरी ताकत से वहां हमला करता है। उसके आसपास के सारे डीमंस मर चुके थे, लेकिन वो लोग क्ले को ले गए। लेकिन फिर उनके सामने घोस्ट राइडर्स अवेंजर्स आ पहुंचे। ऊपर खड़ा मेफिस्टो ये सब देख रहा है। उसने कहा, देखो तो इसकी तरफ, कितना शानदार है, मैंने इन सबको बहुत मिस किया। क्या तुम्हें पता है कि एक अच्छे वाला लॉस वेगस शो देखे हुए मुझे कितना टाइम हो गया? कहना चाहूंगा कि मैं भूल चुका हूँ, लेकिन तुमने काफी अच्छा काम किया। गाइस, ये थी क्ले, जो कि असल में कैप्टन मार्वल थी और इसने क्ले का रूप बना रखा था। मेफिस्टो कहता है, अब काफी अच्छी दिखाई दे रही हो, वैसे मानना पड़ेगा जो तुम कह रही थी ना, मेरी आंखों में देखो, तुम बिल्कुल क्ले की तरह बात कर रही थी, उस बेवकूफ को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। कैप्टन मार्वल कहती है, हाँ नहीं लगी, उसने मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह मेरी खूबसूरती के ऊपर पहले से ही फिदा हो रखा था, उसे अब भी लगता है कि उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आए हुए हैं। मेफिस्टो कहता है, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि स्टीफन स्ट्रेंज के अब कोई दोस्त नहीं है? तो गाइस, तब हमें दिखाई दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज असल में वोंग और उसकी टीम के साथ लड़ रहा था, जो उन्हें घोस्ट राइडर्स अवेंजर्स की तरह दिखाई दे रहे थे। वो खुद एक घोस्ट राइडर बना हुआ है और जिन्हें वो लोकी और वांडा समझ रहा है वो असल में हेल के डीमंस हैं। तो उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। अगर लाइक एम जल्दी पूरा होता है तो एक दिन में इसके दो एपिसोड आ सकते हैं।